हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मीतास रेसिपी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोग के सामने लेके आई हूँ आलू पराठा की रेसिपी। तो आशा करती हूँ आप सब वीडियो में बने रहेंगे एंड तक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं 3 आलू ले चुकी हूँ प्रेशर कुकर में और थोड़ी सी पानी ऐड भी कर दी हूँ। अभी इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो मैं ले चुकी हूँ थोड़ी सी आटा, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर। अभी हम आटा यूज करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे अच्छे से। तो हमारा बॉल्स भी रेडी हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर। और हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं। अभी हम आलू को निकाल के अच्छे से स्मैश कर लेंगे। आलू को हल्का स्मैश करने के बाद हम लोग सारे प्याज और सारे चिलीज यहाँ पे डाल देंगे। और सारे चिलीज और ऑनियंस के साथ हम मिक्स करके फिर थोड़ी सी मैगी मसाला ऐड करेंगे। फिर सब कुछ एक साथ मिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे स्टफिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। अभी एक कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल ऐड करने के बाद हम लोग करी पत्ता ऐड करेंगे। करी पत्ता को हल्का फ्राई करना है। करी पत्ता को हल्का फ्राई करने के बाद यहाँ पे हम लहसुन ऐड कर देंगे। फिर लहसुन और करी पत्ता को एक साथ अच्छे से थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये लहसुन और करी पत्ता थोड़ी सी फ्राई हो जाए, फिर स्मैश किया हुआ जो स्टफिंग्स है जो हम लोग ने रेडी की है, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी मैगी मसाला भी ऐड कर दिए हम। मैगी मसाले के साथ अच्छे से इसको फ्राई कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। अभी हम स्टफिंग्स को अच्छे से यहाँ पे स्टॉक कर देंगे। इसी तरह से सारे स्टफिंग्स को हम लोग अंदर में स्टॉक कर लेंगे अच्छे से। जैसे कि हमारी सारी स्टफिंग्स रेडी हो चुकी है, तो अभी हम इसको अच्छे से अपने हाथ से मिला लेंगे। और हाँ, बेलना नहीं है, क्योंकि अगर बेलेंगे तो फिर अंदर का स्टफिंग्स निकलने में पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए अभी हम लोग इसको अच्छे से अपने हाथ से मिला लेंगे। इस तरह से हम लोग सारे पराठा को अच्छे से मिला लेंगे। अभी एक तवा में थोड़ी सी ऑयल ऐड करके हम लोग सारे पराठे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही एक साइड फ्राई हो जाए, तो हम लोग दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह से बाकी सारे पराठे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम लोग।
तो हमारे गरम गरम आलू पराठा की रेसिपी रेडी है सर्व करने के लिए अचार के साथ। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारी ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कभी। थैंक यू एवरीवन।